Good morning, 11th Commerce students. I hope you all are safe at home. In the last lecture, we tried to understand in chapter number 2 of Organization of Commerce that what is the importance of business services. आपको क्या क्या फैसिलिटीज देती है बिजनेस यूनिट्स को, फैमिलीज को, सोशल गैदरिंग्स को क्या क्या फैसिलिटीज देने की कोशिश करती है. और साथ साथ में हमने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश की. तो इंश्योरेंस के अलग अलग प्रिंसिपल्स है जो हमने चार देखे, अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, उसके बाद आपका सबरोगेशन, राइट, ये सब देखने की हमने कोशिश की और इंश्योरेबल. तो ये सब समझने के बाद हमें ये समझना भी जरूरी है कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, राइट. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं. इंश्योरेंस आपको बताया क्या है कि भाई इंसान अपनी सेफ्टी के लिए, इंसान अपनी प्रॉपर्टी या अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ये सब चीजों के लिए करता है जो मैंने आपको पहले बताया. तो तरह तरह के इंश्योरेंस आज डेवलप हुए. इंश्योरेंस सेक्टर पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ. इंश्योरेंस सेक्टर की वजह से आज इंसान की लाइफ भले रिस्क में है पर उसके जो पीछे वाले हैं या तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है उसकी भरपाई हो सकती. इंश्योरेंस उस पर्टिकुलर नुकसान को नहीं रोक सकता, असंभव है, पर उससे आपको बाहर निकाल के फाइनेंशियल कॉम्पनसेट कर सकता है. इतना इंश्योरेंस की अंदर क्षमता है. पर आपका इंश्योरिंग की तरफ क्या फर्ज है कि आप भी प्रीमियम टाइम पे भरो. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, राइट. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखने की कोशिश करते हैं हम. पहला है आपका लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ, आपकी लाइफ कितनी अनमोल है आप जानते हो. तो अनमोल लाइफ के लिए कितनी भी रकम लगा लो कम है, कितनी भी रकम लगा लो कम है. तो लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता इतने की प्रोडक्ट है इतना हम इंश्योरेंस लेंगे. इंसान को खुद को पता है, वो अपने लाइफ की वैल्यू जानता है. लाइफ की वैल्यू अनमोल है तो उसका कोई दाम नहीं होता. तो इंसान को जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वो पॉलिसी देता है और प्रीमियम भरता है, उतने की उसकी लाइफ इंश्योर्ड हो सकती है, उसे बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस, राइट. उसमें है होल लाइफ और इंडोरमेंट, दो पार्ट से उसमें होल लाइफ और इंडोरमेंट. इसको समझने की हम कोशिश करते हैं. होल लाइफ यानी जब से उसने पॉलिसी ली उसका रिस्क कवर शुरू हो गया, पूरी लाइफ के लिए वो इंश्योर्ड है, पूरी लाइफ के लिए वो इंश्योर्ड है. बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है, बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जिसने नॉमिनेट किया है, राइट, जो बंदा मर गया जिसने उसने जिसको नॉमिनेट किया है, या तो उसका लीगल जो वारसदार है उसको वो पर्टिकुलर पैसे मिलते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं, पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं. रिस्क कवर जितने का उसने लिया होगा प्लस जितना प्रीमियम भरा होगा उसका बोनस उसको मिलेगा. इसको मिलेगा उसके नॉमिनेटेड पर्सन को या लीगल के, राइट, उसको मिलेगा. तो उसको रेगुलर प्रीमियम भरना, इसीलिए मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, रेगुलर प्रीमियम भरना इंपॉर्टेंट है. अगर वो चाहता है कि उसके जाने के बाद उसके पीछे जो लोग है एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल रहे, तो उसको अपनी लाइफ का केयर करना है. और लाइफ इंश्योरेंस में पहले दिन से ही रिस्क कवर हो जाता है. एंडोमेंट इंश्योरेंस, एंडोमेंट में क्या होता है कि जब पॉलिसी खत्म होती है 15 साल की हो या 20 साल की और आपने पूरी लाइफ उसका प्रीमियम भरा, उसके बाद आपका डेथ हो गया तो आपका लीगल हेयर या आपका नॉमिनेटेड को वो पैसा मिलता है. तो डिफरेंस इतना ही है कि लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क पहले दिन से कवर होता है और एंडोमेंट में मैच्योरिटी होने के बाद अगर आपकी डेथ होती है तो बंदे को पैसे मिलते हैं जो नॉमिनेटेड होता है, राइट. तो लाइफ इंश्योरेंस टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, समझ लिया आपने, राइट. अब जाएंगे हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस. आज दुनिया में माल सामान का आवंटन इतना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर हो चुका है, एक सर्विस सेक्टर हो चुका है. ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया तरीके से फैला हुआ है, राइट. ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया तरीके से फैला हुआ है. ट्रांसपोर्टेशन में जो है अलग अलग तरीके से जो है वो मोड्स है. एक तो आपका है मनी यानी जरिए से, एयर और ये तीनों इंश्योरेंस है. अब मरीन की हम बात कर ले, मरीन इंश्योरेंस तो सालों का है,
लॉयड्स ऑफ लंदन कंपनी ने बहुत पहले 18 सेंचुरी में उनकी इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर दी थी, यानी 325 साल उन्होंने कम से कम 325 साल से वो दुनिया को सेवा दे रहे हैं, 325 इयर्स, राइट। बहुत ही अच्छी कंपनी है और मरीन इंश्योरेंस के लिए बहुत फेमस है। नो डाउट ब्रिटिशर्स हमारे वहां आए थे, मरीन से आए थे और हमारे देश को लूट के चले गए, पर ट्रांसपोर्टेशन यही चीज बचाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो दरिये में लूट होती है, थेफ्ट होता है, शिप डूब जाती है, उससे बचाता है, वो इंश्योरेंस है, राइट। तो आपका माल सामान जो दरिये में जाता है, ओशंस में जाता है, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत स्लो है और रिस्की है, स्लो है और रिस्की है, चीप है नो डाउट, पर ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर आप करवाओ कि जिस पोर्ट से निकला से लेके लास्ट पोर्ट तक जहां तक जाने वाला है, तो आपका सामान नुकसान होगा पर उसकी भरपाई आपको हो सकती है। जो थेफ्ट होती है, चोरी, डकैती, पायरेट्स होते हैं काफी ओशंस में, ये सब चीजों से आप बच सकते हो, आपका सामान इंश्योर हो सकता है, उसे बोला जाता है मरीन इंश्योरेंस। एनीथिंग रिलेटेड टू सी एंड ओशन इज मरीन इंश्योरेंस, यानी पानी से रिलेटेड। फिर है आपका एयर इंश्योरेंस। आज लोगों को जो है अपना वैल्यूएबल सामान हवाई जहाज में भेजना है, एयर इंश्योरेंस, तो उसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं। अब पैसे जब खर्चता है कब इंसान, जब उसकी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है तभी खर्चता है, उसके बिना वो नहीं खर्चेगा। क्यों खर्चेगा? तो वो पैसा जब खर्चता है तो एयरलाइंस को भी भेजना रिस्की है। ऐसा नहीं है कि प्लेन का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, हो सकता है हवामान खराब है, पायलट को जो है दिशा नहीं दिखी उसमें बराबर और प्लेन क्रैश हो गया, हो सकता है, राइट। और काफी जगहों पे हाईजैक्स होते हैं, ये सब जगहों से बचने के लिए आप एयर इंश्योरेंस करवा सकते हो। एयर इंश्योरेंस में क्या होता है, आपके जो गुड्स होते हैं, आपके गुड्स होते हैं एयरलाइंस में जाते हैं और उसकी सेफ्टी जो है वो रखने की कोशिश करती है एयरलाइंस, पर अगर मिसफॉर्च्यून से आपका सामान खो जाता है या प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो, तो एयर इंश्योरेंस आपको काम आता है कि आपके जो अहमदाबाद से अगर न्यूयॉर्क आपका सामान जा रहा है उस ट्रांजिट में वो इंश्योरेंस करके देते हैं, राइट। वन टाइम इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हो, जैसे आपका 5 किलो सामान जा रहा है यहां से यूएस, तो वो 5 किलो का ही आप करवा सकते हो, राइट। और 2 किलो का भी पोस्ट में जाओ तो भी इंश्योरेंस होता है, आप नॉर्मल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ तो भी इंश्योरेंस होता है, सब जगह इंश्योरेंस आज अवेलेबल है। उसके बाद है रेल और रोड इंश्योरेंस। रेल इंश्योरेंस, रेलवे में इंश्योरेंस, रेलवे में बहुत सारा सामान जाता है, राइट। पैसेंजर ट्रेन में भी जाता है और आपका गुड्स ट्रेन भी जाता है। आप अगर टिकट बुक करोगे तो भी एक इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है कि भाई आपको इंश्योरेंस चाहिए अपने सामान का, आप टिक करोगे आपको मेल आएगा, बढ़िया तरीके से आपका सामान इंश्योर हो गया। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो बात अलग है, पर आपका इंश्योरेंस हो जाता है आपके सामान का, क्योंकि रेलवे में भी चोरी होने की गुंजाइश होती है, राइट। रेलवे भी इंश्योरेंस दे रहा है, प्लस उनके जो पर्टिकुलर ट्रेन है जिसको गुड्स ट्रेन बोलते हैं, राइट, गुड्स ट्रेन में भी सामान जाता है, लंबी लंबी मल्टीपल यूनिट ट्रेन होती है, राइट। तो वो गुड्स ट्रेन में भी सामान जो जाता है उसमें चोरी डकैती होने की गुंजाइश है, या तो आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब चीजों की वजह से सामान का नुकसान होगा, आपकी चीजों का नुकसान होगा, इसके लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं बढ़िया तरीके से जो करवा सकते हो। रोड में भी ये सेम चीज है, रोड यानी आप जो ट्रक से या बस से सामान बेचते हो उसकी बात हो रही है, वहां भी इंस्पेक्टर कम नहीं है, बस का एक्सीडेंट हो सकता है, रेल का हो सकता है, तो बस का भी हो सकता है, वहां भी आग लग सकती है, वहां भी चोरी हो सकती है, रोड में ज्यादा गुंजाइश होती है चोरी होने की। ड्राइवर सामान लेके भाग गया, कुछ भी हो सकता है, राइट, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, होता है ना, ड्राइवर सामान लेके भाग गया, या तो ड्राइवर ने ठीक से देखा नहीं नींद में और एक्सीडेंट कर दिया, तो ये सब चीजों की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ड्राइवर का तो नुकसान होगा ही होगा, साथ साथ में उसका भी नुकसान होगा, उसका इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, इसीलिए रेल रोड इंश्योरेंस करवाया जाता है। फिर है आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या है, आग लगती है, आग कहीं भी लग सकती है, बिल्डिंग में लग सकती है, आज थोड़े दिन पहले 4D मॉल के सामने जो पेंटागन है वहां पे आग लगी थी, वो बंदे ने इंश्योरेंस करवाया ही होगा सेफ्टी के लिए, भाई जितना नुकसान हुआ है उसका मुझे कॉम्पनसेशन मिले,
राइट। तो फायर इंश्योरेंस इसीलिए फैक्ट्री में हो, घर में हो, किसी भी जगह पे आग लगे तो फायर, आज जो है काफी चीजें जो है टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो एसी में से शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर गैस सिलेंडर फट गया, राइट, शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिसिटी का वायर ठीक नहीं था, बहुत सारी चीजों की वजह से आग लगती है, राइट। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में तो गैस की वजह से, केमिकल्स की वजह से, सब जगह की वजह से आग लगती है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए जो है आपका फायर इंश्योरेंस है, राइट। उसके बाद अदर जनरल इंश्योरेंस बहुत सारे, पर उसके पहले हम इसका एक जिस्ट देख लेते। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? उसमें दो है, होल लाइफ और एंडोमेंट। होल लाइफ में क्या है? पूरी लाइफ आपका रिस्क कवर रहता है। अगर बीच में से आपकी डेथ हो गई तो आपके लीगल हेयर को या नॉमिनी को पैसे मिलेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने प्रीमियम टाइम पे भरा है। जनरल इंश्योरेंस में दूसरा, अरे सॉरी, होल लाइफ इंश्योरेंस में और दूसरा है एंडोमेंट। एंडोमेंट में जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है उसके बाद आपको पैसा मिलता है, राइट। अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपके लीगल हेयर को पैसा मिलता है। अगर आप जो पर्टिकुलर जिंदा हो तो आपको पैसा मिलता है, अगर आप मर गए तो आपके लीगल एरिया नॉमिनी को पैसा मिलता है, बट आफ्टर मैच्योरिटी डेट, अगर आपने प्रीमियम लाइफ टाइम टाइम पे भरा है तो। फिर आपके जनरल इंश्योरेंस में आते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जिसमें मरीन यानी बाय सी, लॉयड्स ऑफ लंदन फेमस मैंने आपको बताया, एयर एयरलाइन से जाता है, एक्सीडेंट बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, रेल रोड, रेलवे में भी लूटफाट होती है, बहुत कुछ होता है, पर्सनल लेवल पे भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, या तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंश्योरेंस करवाती हैं, इनका सामान जाता है, रोड में भी इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, बाय ट्रैवल करते हैं तो, और सामान जाता है फिर भी। फायर इंश्योरेंस मकान में, बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, सब में आग लग सकती है तो लोग फायर इंश्योरेंस करवाते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे अदर जनरल इंश्योरेंस, बड़ा लंबा लिस्ट, बड़ा लंबा लिस्ट है, क्योंकि आज इंसान को जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला जो प्रिंसिपल है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसको उस पर्टिकुलर चीज में फाइनेंशियल इंटरेस्ट, भाई मेरा इसमें नुकसान होगा तो मुझे नहीं जो है पसंद होगा, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो लागू पड़ता है बहुत सारे अदर जनरल इंश्योरेंस। वॉइस ऑफ सिंगर, एक सिंगर के लिए उसका गला बहुत बड़ी चीज है, वो गा नहीं पाएगा तो कमाएगा, वो गा नहीं पाएगा तो कमाएगा, इसलिए वो अपनी वॉइस की इंश्योरेंस करवाता है। थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस मींस ये डोमिनोज है, स्विगी है, जोमैटो है, वो क्या करते हैं अपने व्हीकल्स खरीद के अपने डिलीवरी बॉयज को देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रक चलाने देती है ड्राइवर्स, तो उनका इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर व्हीकल को नुकसान होगा, बंदे को नुकसान होगा तो खर्चा उस कंपनी का है, इसीलिए वो कंपनी पहले से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाती है, ताकि वो लोग ये नहीं चाहते कि कुछ नुकसान हो और अपनी सेफ्टी के लिए करवाते। फिर मेडिक्लेम, आपको हॉस्पिटल के खर्चे आज बहुत ज्यादा है, कोविड में 6-7 लाख रुपए का खर्चा होता है, काइंड ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस ही हो, और मेडिक्लेम इंश्योरेंस में हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी दवाई, कैशलेस भी होता है, ये सब चीजें कवर होती है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल में क्या होता है, एक्सीडेंट होना, आपने गलत तरीके से नहीं चलाया फिर भी सामने से कोई ठोक गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, क्या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी लोग देते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी लेता है, मेडिक्लेम और एक्सीडेंटल पर्सनल लेवल पे भी लिया जाता है। इंश्योरेंस फॉर लेबरर्स, लेबरर्स काम करते फैक्ट्री में काम करते, उनका एक्सीडेंट हो गया तो मालिक क्या करता है, पहले से इंश्योरेंस लेके रखता है ताकि उनको भरपाई कर सके कि भाई उसका पैर कट गया या फ्रैक्चर हो गया, थोड़े टाइम के लिए काम भी नहीं आ पाया, तो उसमें से वो भुगतान भुगत सकता है। फिर एम्प्लॉयज के लिए भी इंश्योरेंस लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज इंश्योरेंस कार्ड देती है एम्प्लॉयज को, राइट। फिर स्टूडेंट्स की, उनकी सेफ्टी के लिए, समाज में एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनका, उसके लिए भी इंश्योरेंस आता है। बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस है जो बढ़िया तरीके से लिए जा सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स का इंश्योरेंस है और बहुत सारे इंश्योरेंस है जो लिए जा सकते हैं, राइट। आपने देख लिया टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, अब प्राइवेटाइजेशन क्यों आए, प्राइवेटाइजेशन पहले से ही था, प्राइवेट सेक्टर ने ही स्टार्ट किया था बिजनेस इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर ने ही चालू किया था इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर यानी मालिकी किसी प्राइवेट ग्रुप की या इंडिविजुअल की मालिकी,
राइट, उन्होंने स्टार्ट किया था और ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में इंश्योरेंस स्टार्ट किया था। वो इंश्योरेंस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने वो चीज इलीगली यूज करना शुरू किया। ऐसा पता चला कि उन्होंने इलीगली यूज करना शुरू किया, इसलिए 19 जनवरी 1956 को एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, एक लॉ पास हुआ। वो लॉ पास हुआ कि जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसको कंप्लीटली नेशनलाइज कर दो, राइट, प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं, नेशनलाइज कर दो। और एलआईसी की मोनोपोली हो गई, एलआईसी मींस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस नाम सबने नाम सुना होगा। फिर वो नेशनलाइज हो गया और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है फिर मल्टीनेशनल कंपनीज और दूसरी कंपनीज को उन्होंने एंट्री दी, प्राइवेट कंपनीज को एंट्री दी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी, उन्होंने देने की कोशिश करी, राइट। और धीरे धीरे आज फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर सब मिलकर इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, राइट, हेल्दी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो कस्टमर को लोएस्ट प्रीमियम मिलता है और बढ़िया बोनस मिलता है। तो प्राइवेटाइजेशन आया, पर प्राइवेटाइजेशन में क्या ध्यान रखा कि 2015 में एक लॉ पास हुआ कि भाई 49% जो फॉरेन की कंपनी है यहां पे इंश्योरेंस में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है। अब 49% से ज्यादा क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो लोग यहां पे मालिक ही नहीं खरीद सकते। 49% 50% से ज्यादा है तो मालिक ही हो जाती है, राइट, पार्टनरशिप हो जाती है, तो वो गलत है, वो सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते, राइट, इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन आया, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, ये सब आए और प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब इस सब चीजों को रोकना है, कि गलत स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बढ़िया तरीके से जो है इंश्योरेंस सेक्टर चलना चाहिए, ये सब के लिए जो है आपका IRDA स्थापित हुआ। IRDA स्थापित हुआ 1999 में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करे कि भाई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस जो है चीट नहीं कर रही, इंश्योरी इंश्योरेंस कंपनी को चीट नहीं कर रही है, तो उसके लॉज जो बनाती है IRDA वो सब इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करने पड़ती है। वो इंश्योरेंस कंपनीज अगर फॉलो नहीं करेगी तो हो सकता है उनके ऊपर लीगल स्टेप्स भी लिए जाते हैं, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट ऑटोनोमस बॉडी, दो इट इज सपोर्टेड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। 1999 में स्थापित हुआ था और वो रेगुलेट करती है और डेवलप करती है इंडिया की पूरी इंश्योरेंस सेक्टर को, कि भाई प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है कि नहीं, गलत तरीके से वो लोग कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहे कि नहीं, ये सब चीजों का वो लोग ध्यान रखते हैं, राइट। और साथ साथ में ये तो ध्यान रखते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज में क्या क्या आज ये हर जनरल इंश्योरेंस जो आए मार्केट में वो इनकी देन है, क्यों, क्योंकि ये सब चीजों को सोचना कि भाई कैसे डेवलप करना है इंश्योरेंस बिजनेस को, लोगों को क्या क्या जरूरत हो सकती है, क्या है, सब चीजें यहां पे सोची जाती है और उसको इंप्लीमेंट की जाती है और फिर उसको सही ढंग से फॉलो कैसे करना वो भी बताया जाता है। तो इस तरह से आप देखने की कोशिश करो कि प्राइवेटाइजेशन आया और बढ़िया तरीके से जो है डेवलप होने की कोशिश की और इंश्योरेंस सेक्टर बढ़िया सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर की वजह से आज काफी लोग दुनिया में सेफ फील कर रहे हैं, राइट। तो ये था प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस और IRDA, ठीक है। IRDA बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल है जो काफी इंश्योरेंस होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आप ये पार्ट रिवाइज कर ले बहुत बढ़िया तरीके से और समझने की कोशिश करें, ना पता चले तो वीडियो बार बार देखें और इंश्योरेंस क्या है वो पर्टिकुलर यहां पे मैंने समझाया। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया, तो दोनों को क्लब करके अच्छी तरह देखने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बी सेफ एट होम एंड बी हेल्दी।